सब्सक्राइब कीजिए नंदाश्रम हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं गैस बेस्ड पावर प्लांट के बारे में। दोस्तों, गैस बेस्ड पावर प्लांट यानी कि वो गैस से ऑपरेट होने वाला पावर प्लांट है। तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में आज हम डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो जिस तरह दोस्तों यहाँ पे स्टीम पावर प्लांट होता है, उसके अंदर यहाँ पे स्टीम वर्किंग मीडियम की जगह पे यूज में ली जाती है, उसी तरह दोस्तों यहाँ पे जब वो स्टीम को यहाँ पे टर्बाइन के अंदर जाने के बाद उसका यहाँ पे एक्सपांड होता है और वो मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पे प्रोड्यूस करती है, उसी तरह दोस्तों यहाँ पे गैस टरबाइन पावर प्लांट के अंदर वर्किंग मीडियम जगह पे यहाँ पे उच्च टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर वाले गैस को यहाँ पे यूज में लिया जाता है। दोस्तों, जिस टरबाइन में यहाँ पे जो यहाँ पे गैस है वो टरबाइन में जाने के बाद यहाँ पे उसका एक्सपांसन होने के बाद वो मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, गैस टरबाइन के मतलब टरबाइन को घुमा के वो मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, अब आगे बात करें दोस्तों उसी के बारे में, तो गैस बेस्ड जो पावर प्लांट होता है उसका एक बेनिफिट होता है। जिस बेनिफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे उसको जल्दी से हम यहाँ पे चालू कर सकते हैं, यानी कि स्विचिंग ऑन की स्पीड उसकी है यहाँ पे जल्दी से है, मतलब स्पीड में हो सकता है। अब उसी तरह आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे उसको लिक्विड या तो फिर गैस दोनों फॉर्म में यहाँ पे हम उस फ्यूल को उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे गैस बेस्ड पावर प्लांट है, उसका इंट्रोडक्शन दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए ये वीडियो बनाया था। अब आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन इन विंड गैस टर्बाइन पावर प्लांट के बारे में। तो दोस्तों, एनर्जी कन्वर्जन गैस पावर प्लांट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल नंदाश्रम हार्दिक को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपका खूब खूब धन्यवाद दोस्तों।